नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। तारीख 14/9/2024 को रिकॉर्डिंग राशि फल। जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के राशि फल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती है। अगर आपकी कोई सवाल है, कोई समस्या है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या आप किसी ग्रहों के दोष का निवारण चाहते हैं तो आप अवश्य हमारा संपर्क कर सकते हैं, हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तो मित्रों, देख लेते हैं हमने कि आज का पहले जाने के पंचांग, इसके बाद आज का राशिफल और इसके बाद आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहेंगे। आज शनिवार है, पहले भगवान शिव को वंदन करें। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। भगवान मृत्युंजय को प्रणाम करके और शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। तो मित्रों, आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1945 और 2550। दिनांक की अगर बात करें तो 14/9 यानी 14 सितंबर 2024 शनिवार का दिन है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है और जो 20:42 तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा। आज नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा जो 20:42 तक रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का योग शोभन है 18:16 तक, इसके बाद अतिगंड योग का प्रारंभ। करण जो है वणिज है 9:42 तक, इसके बाद बव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मकर रहेगी यानी ख ज अक्षरों से नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख और सुंदर रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। आज एकादशी का दिन है, आज एकादशी व्रत करना चाहिए और इस एकादशी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें हमारे स्वास्थ्य में भी इससे फायदा होता है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का राशि फल। पहले शुरू करते हैं मेष राशि से, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो कामकाज में शुरुआत अच्छी दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं बन रही हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य में जरा ध्यान देने की जरूरत है। इनकम सोर्सेस जो है वो भी बढ़ रहे हैं। शेयर बाजार यानी बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। आपके पुराने जो संबंध बिगड़े हुए थे वह पुनः सुधर रहे हैं, यानी उनमें सुधार होता हुआ दिखता है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो आज आपको जल्दबाजी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और व्यसन से दूर रहने की आवश्यकता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबोसे जिनका नाम प्रारंभ होता है, आपके ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। भाग्य आपका साथ देता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन पति पत्नी का साथ सम्मान आपका अच्छा रहेगा। पति और पत्नी का जो साथ था वह मिलता रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शेयर बाजार या बाजार में अगर काम करते हैं तो जरा दूर रहिएगा और किसी गलत आदमी के संगत में पड़ के कोई गलत काम न करिएगा। विदेश यात्रा वगैरह में जाने का योग आपका बन रहा है और इसके अतिरिक्त आपको कुछ नया प्रोजेक्ट आपके दिमाग में चल रहा है, उसको भी कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जाते हैं मिथुन राशि का छठा अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आज सुबह से ही आप थोड़ा चिंतातुर और उद्वेग में, कुछ अच्छे बनने वाले कार्य बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद वह काम आपके नौकरी संबंधित हो सकता है या तो आपके पारिवारिक क्लेश के संबंधित हो सकता है।
कोर्ट कचहरी में जो कि सफलता मिल रही है, लेकिन विदेश यात्रा वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जिन लोगों पर विश्वास किया था उनके द्वारा छल कपट होने की संभावना है। जल्दबाजी बिल्कुल न करिए और आप अपने घर में एक ही का दीपक जलाकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि से जिनका नाम प्राप्त होता है। आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है, कुछ नया काम भी आपके पास आ रहे हैं, नौकरी वगैरह में प्रमोशन और आपको आगे बढ़ने का भी चांस मिल रहा है। अगर कुछ कोई बड़ा काम आपको करने की इच्छा है तो आप अवश्य करें, लेकिन किसी का साथ सहकार लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ मित्रों, एक बात याद रखिए, घरेलू वातावरण को लेकर आप बाहर प्रचार मत करिए। शेयर बाजार या बाजारों में आपको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन कोर्ट कचहरी में फायदा है, विदेश यात्रा जा सकती है। क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करके आपका दिन शुभ है। चलिए जानते हैं हम सिंह राशि बटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में आपको जो राहत मिलनी चाहिए वो मिल चुकी है। पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में सफलता आपको मिलेगी और खास तौर पर जिन पर आपको यकीन था वो लोग भी आपकी मदद में आए। आज आपका खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है तो इनकम से खर्च बढ़े नहीं, इसका जरूर ध्यान दीजिए, यानी वेस्ट मैनेजमेंट आपके लिए जरूरी है। शादी संबंध की बातें भी पूरी होंगी और शेयर बाजार या बाजारों से ज्यादा दूर रहिए। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा लग रहा है। चलिए मित्रों अब देख लेते हैं हम कन्या राशि पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है। कुंडली आपकी कुंडली में देखें तो आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से पराक्रम तो बढ़ रहा है, नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। जो आपके विजातीय मित्र थे उनके साथ थोड़ा तनाव बनने की संभावना है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा और शेयर बाजार या बाजारों से जरा सावधान से काम करिएगा और किसी के कहे कहावे में गलत इन्वेस्टमेंट करने से आपको नुकसान हो सकता है, पैसों का लेन देन बिल्कुल ना करें। क्या करेंगे, ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके भगवान शिव की पूजा करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका शुभ शुभ। चलो मित्रों अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत्न अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपके ग्रह गोचर की स्थिति सुंदर और बढ़िया है, कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी, कुछ नया काम आपने हाथ में लिया है वह पूरा होगा, सरकार की तरफ से लेन देन जो था वह पूरा होने की संभावना है। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर है उसमें भी सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हो, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे और संतान को लेके जो आप चिंता में थे उस चिंता में आज राहत मिलती हुई दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत के लिए अच्छा। चलिए अब चलते हैं वृश्चिक राशि नई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छे और सुंदर है, आज नए लोगों की मुलाकात आपके लिए फल देने वाली है और अच्छा फल मिल सकता है और हो सकता है व्यापार वगैरह में वृद्धि हो, नए काम में सफलता मिले, लेकिन शत्रु वर्ग आप पर भी हावी होते हुए दिखाई देते हैं, उनसे जरा सावधान रहने की भी जरूरत है। खास तौर पर मित्रों बीमारी में सावधानी रखने की आवश्यकता है और कोई भी गलत काम लेके आता है उस काम में आपको पड़ना नहीं है, खासतौर पर जो लोग सरकारी कामकाज कर रहे हो उनके लिए। क्या करेंगे आप, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत के लिए अच्छा करना है। चले मित्रों अब जान लेते हैं हम धनुराशि फटाफट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपके ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर है, आप जो व्यापार या काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिल रही है, जिन पर आपको यकीन था वो लोग भी आपको हेल्प कर रहे हैं,
लेकिन मित्रों संतान से थोड़ा दुखी दिखाई दे रहे हैं, संतान के प्रति थोड़ा आपका भाव जो है वो कमजोर होता दिखता है। वो सुबह से ही आपके दोनों के बीच में कुछ टसल होने की संभावना है। संतान के कैरियर को लेकर आप चिंता दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह के फल आपको मिलेंगे, आप जा सकते हैं और नौकरी वगैरह में प्रमोशन भी मिलेगा। अगर व्यापारी है तो व्यापार में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए अच्छा दिन। चलिए मित्रों जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर बात करें तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। जल्दबाजी आपके लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता दिखाई देती है। जमीन मकान का कुछ सॉल्यूशन आता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापार में थोड़ी वृद्धि चाहिए, उस तरह से नहीं हो रही है और व्यापार को लेकर आप थोड़ा चिंता तो जरूर है। नौकरी में अगर प्रमोशन वगैरह चाहिए तो आपको उसकी भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। तो क्या करेंगे? तो आज भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों आप जान लेते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों की थोड़ी दिक्कत भी पड़ रही है, कामकाज में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विदेश से थोड़ा फायदा भी मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी विदेश के काम में आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाना है तो जा भी सकते हैं और यात्रा वगैरह का योग भी आपका बन रहा है। माता और पिता के साथ के संबंध तो अच्छे रहेंगे, पति पत्नी का साथ सहकार जरूर मिलेगा। संतान को लेकर थोड़ा चिंतातुर है और शेयर बाजार से जरा सावधान रहिएगा। क्या करना है? तो आज घर में एक ही का दीपक जलाएंगे, ओम होम जूम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ सुंदर है। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी और सुंदर दिख रही है। गलत लोगों की मुलाकातें भी होने की संभावना बन रही है और किसी भी चीज को लेके बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। और अगर आप कुछ करने जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा मित्रों, खास तौर पर किसी को पैसा देना है तो बिल्कुल न दीजिएगा। संतान के कैरियर को लेके जो चिंता थी उसमें थोड़ी सी राहत दिखाई देती है। तो क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करके आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज एक प्रश्न ऐसा आया हुआ है कि कभी कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं, क्यों? यह शरीर में रोग का कारण है। बीमारी जो है रोग है और रोग हमारे शरीर में क्यों आते हैं? इसी को ढूंढने के लिए संत लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, हमारे ऋषियों ने किया, महर्षियों ने किया, बुद्ध भगवान ने भी किया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित ही कर्म बंधन ही, सभी लोग अपने कर्म के बंधन से पीड़ित हैं। कि उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होना मृत्यु होना और जरा यानी बीमारी आना और ये व्याधियों में फंस जाना, ये सब कर्मों का फल है। इसे संचित कर्मा कहते हैं। जो पुराना आपका कर्मा है, पूर्व जन्म का कर्मा, इस जन्म में आपको करना है, ऐसा गीता का भी सिद्धांत कहता है और सभी ऋषियों मुनियों का सिद्धांत है। अब मान लीजिए आप ऐसे कर्म में फंसे हैं तो विष योग है आपकी कुंडली में, तो जब मानसिक लेवल आपका कमजोर होगा, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है, जब चंद्रमा आपका कमजोर हो, वह राहु से या शनि से दृष्ट हो या केतु से ग्रस्त हो, तो ऐसी स्थिति में इन दिस पोजिशन आपके मन में चिंता टेंशन डिप्रेशन रहता है और बहुत बार लोगों को पिल्स लेनी पड़ती है यानी गोलियां खानी पड़ती है। क्यों?
क्योंकि मन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो जब चंद्रमा राहु होगा तो ग्रहण दोष बन जाएगा, चंद्रमा केतु है तब भी ग्रहण बनेगा, शनि और चंद्र है तो विषयोग बनेगा। तो शनि चंद्र और राहु का जो ग्रहण दोष वगैरह बनता है, ऐसी पोजीशन में मित्रों आपके और आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाना जरूरी है, यानी होने की संभावना ज्यादा है। अब ऐसा डिप्रेशन आपको हो गया, फिर इसमें कोई चिंता आ गई, छोटी सी चिंता आ गई, आपको डिप्रेशन घेर गया, इसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो आपको अगर इनसे दूर रहना है तो क्या करना चाहिए? तो बहुत सिंपल सा रास्ता है, विष दोष जो होता है इसका एक पूजा होती है, उसका निवारण करवाना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, ग्रहण दोष है तो उसका भी निवारण यानी पूजन करवाना चाहिए। अब इनके उपाय है, काले तिल हल्दी चावल मिलाइए और पीपल के पेड़ में और शिव जी पर रेगुलर पानी चढ़ाइए। ये उपाय मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूं, ये उपाय आप जरूर करिए। काले तिल हल्दी चावल को पानी में डालिए और जाके पीपल पे और भगवान शिव पे जल चढ़ाइए। साथ में आपको ओम नमः शिवाय और ओम चंद्रमशे नमः मंत्र का जप करना है। और पीपल में अगर पानी डालते हैं तो हम विष्णवे नमः ओम चंद्रमशे नमः ये मंत्र का जप करना है। बस ये छोटा सा उपाय करिए और देखिए कि आप कितनी जल्दी से आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो दर्शक मित्रों, आपका डिप्रेशन जरूर दूर करिए यह छोटा सा उपाय। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। पसंद रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गांधी गुजरात। नमस्कार।